इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनकी ओर से एक और रिक्रूटमेंट आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे कौन एलिजिबल है, बहुत कम कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है। तो सीरियल नंबर एक पे है जो आपकी हिंदी ट्रांसलेटर, 21,000 से 74,000 तक आपको जो उस पेपर जो स्केल पेपर आपको सैलरी मिलेगी। और केवल एक पोस्ट है, यू आर कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन में होना चाहिए। अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन में होना चाहिए। और आगे इन्होंने लिखा है, मिनिमम 55% मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हर कैटेगरी के कैंडिडेट के पास कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। आगे है एक्सपीरियंस, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ट्रांसलेशन में, या फिर आगे लिखा है इन्होंने 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग टर्न ओवर नॉट लेस देन 100 करोड़, या फिर आप, और इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन में होना चाहिए। अपर एज लिमिट है यहाँ पे 35 साल है। आगे कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पर कौन एलिजिबल हैं, तो OA, OL, HH, LV और MD। अगर इस कैटेगरी में आप हैंडीकैप्ड अगर कोई कैंडिडेट है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। बाकी और भी जो पोस्ट है उनके लिए आप देख रहे हैं ना कि एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात ही नहीं होती है क्योंकि यू आर के लिए कैटेगरी है, यू आर कैटेगरी के लिए पोस्ट है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको नहीं मिलेगा। और देखिए जो कट ऑफ डेट लिमिट है, यानी कि कट ऑफ डेट है जो किसी भी चीज़ की, मान लीजिए एक्सपीरियंस की हो, एज की हो या फिर क्वालिफिकेशन की हो, वो 28 जनवरी 2022 होगा। यानी हर चीज़ की लास्ट डेट जो है 28 जनवरी 2022 है, उससे पहले आपका सब तरह के आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसके लिए कोई भी फीस नहीं होगी, और एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड थ्रू ऑफलाइन प्रोसेस ओनली एंड ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विल बी मेड टू द कैंडिडेट थ्रू ईमेल। तो जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो ईमेल के थ्रू मिलेगी, और यहाँ पे ये ऑफलाइन फॉर्म होगा आपका। क्या कुछ आपके डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, इन्होंने दे रखा है ABCDEFGHIJ, तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने होंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म में। और आगे इन्होंने लिखा है, जो आप एनवलोप जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के भेजोगे तो उसके ऊपर आपका लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, और आपको भेजना है टू जॉइंट जनरल मैनेजर, जो भी आपका ये एड्रेस है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2022। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट है, जम्मू कश्मीर के हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप से हैं, तो उनके लिए लास्ट डेट 1 फरवरी 2022 हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, इनका नंबर है यहाँ पे। और मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक आप इनके पास कॉल कर सकते हैं, और इनकी ईमेल आईडी भी है, तो वहाँ पर भी आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए फॉर्म देख लेते हैं एक बार किस तरह का है। तो इस तरह का आपका फॉर्म होगा, ठीक है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, जितने सारे कॉलम्स हैं वो भरने पड़ेंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने हैं। एक बार फिर इन्होंने ए से के तक सब चीज़ों की लिस्ट दी हुई है, और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।